ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं तेरी ही बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजास लाइव। सो गाइस, आज करने लगे हैं हम रिएक्शन बहुत ही फेमस पर्सनालिटी पे जिनके हम सब जो है फैन है, और हम करने लगे हैं रिएक्शन वीडियो ऑन विराट कोहली, द किंग कोहली। हम उनकी बिजनेस जर्नी पे बात करेंगे एंड ऑल्सो उनकी बायोग्राफी पे। सो ये वीडियो होने लगी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे की। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कॉमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यस, और जो जो विराट कोहली के फैंस है जाके हाजिरी लगा दे कमेंट में। इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर, इंडियन कैप्टन विराट कोहली के बारे में आज हम बात करेंगे। विराट सिर्फ एक स्टार क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक स्टार बिजनेसमैन भी है। उनके क्रिकेट के साथ साथ उनकी बिजनेस जर्नी भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन बहुत ही तगड़ा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ इंडियन बिग शॉट विराट कोहली। दोस्तों, विराट के कौन से बिजनेसेस है, कौन से ब्रांड्स है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर उससे पहले मैं आपको अभी जो चीजें बता रहा हूँ वो लिटरली आपको सरप्राइज कर देंगी। इंडियन क्रिकेट टीम के विराट इकलौता ऐसे प्लेयर है जिनके इंस्टाग्राम पर 55 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डालने का ये बंदा 1,35,00,000 रुपए चार्ज करता है। ऐसी कुछ चीजों की वजह से विराट हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज के लिस्ट में आते हैं। इसके साथ ही विराट कई सारे ब्रांड्स की एडवर्टाइज भी करते हैं, जैसे कि ऑडी कार्स, टीशर्ट, वॉचेस, मान्यवर, बूस्ट एनर्जी ड्रिंक एक्सेट्रा। और इन एडवर्टाइज के एक दिन के शूट के लिए विराट 5-6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग, वैसे कि आपने विराट के बैट पर MRF का स्टिकर देखा है, वो सिर्फ एक स्टिकर लगाने के लिए MRF ब्रांड विराट को हर साल 12 करोड़ रुपए देता है। दोस्तों, अभी तक जो बातें मैंने बताई वो शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है ही, पर सबसे बड़ी न्यूज तो तब आई जब विराट ने प्यूमा ब्रांड के साथ 110 करोड़ की डील साइन की, जो कि आज तक की रिकॉर्ड डील है। अब तक मैंने जो बताया वो तो ऐसे ब्रांड्स है जिनको विराट सिर्फ प्रमोट करते हैं, पर इसके साथ ही कुछ ऐसे ब्रांड्स भी है जो खुद विराट के हैं, जिनमें पहले आता है इंडिया के टॉप फैशन ब्रांड में से एक रॉन। 2014 में विराट ने रॉन के मेजोरिटी स्टेक्स खरीद लिए। सचिन तेंदुलकर के साथ विराट रॉन ब्रांड को कोन करते हैं। रॉन को एक्वायर करने के बाद 2014 में विराट ने लंदन बेस्ड स्टार्टअप के साथ मिलकर स्पोर्ट कैनवो नाम के ऐप को और वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसको विराट कोहली और फेमस फुटबॉलर गैरेथ बेल ने मिलकर प्रमोट किया। इस ऐप और वेबसाइट का मेन पर्पस था स्पोर्ट्स लवर को एक साथ कनेक्ट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना। दोस्तों, आपने विराट की फिटनेस के रिलेटेड कई सारी बातें सुनी होगी, विराट नॉनवेज नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, और ये सब सच है। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में विराट जितनी फिटनेस किसी की नहीं देखी गई, और इसी फिटनेस के प्यार के चलते विराट ने चीजल जिम्स एंड फिटनेस सेंटर को एक्सपांड करने के लिए 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। विराट को बचपन से ही क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का भी काफी शौक था। एक इंटरव्यू में विराट ने कहा था, अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो फुटबॉलर या बिजनेसमैन होता। और फुटबॉल के इसी शौक की वजह से विराट ने इंडियन सुपर लीग FC गोवा टीम के स्टेक्स भी खरीद लिए हैं। साथ ही 2015 में विराट ने दुबई बेस्ड टेनिस टीम UAE रॉयल्स के भी स्टेक खरीदे हैं। इस टीम में रॉजर फेडरर जैसे टेनिस लेजेंड भी थे। साथ ही विराट रेसलिंग टीम बेंगलुरु योद्धास के भी मालिक है। 2017 में विराट ने जीवा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर मूव एकॉस्टिक्स नाम का वायरलेस हेडफोन ब्रांड स्टार्ट किया, जिसमें विराट कोहली मेजर स्टेक होल्डर है। दोस्तों, विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू $237.5 मिलियन की है, यानी कि अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 2100 करोड़ रुपए है। इन सब ब्रांड्स और कंपनीज के साथ साथ विराट और एक ब्रांड को कोन करते हैं जिसका नाम है 1-8। 2021 तक इस ब्रांड के मोबाइल फोन भी लॉन्च किए जाएंगे। 1-8 इंडिया का वेल नोन ब्रांड है, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, जैसे कि परफ्यूम्स, क्लोथिंग, शूज एक्सेट्रा। एक साल के अंदर इस ब्रांड ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 1-8 के अपैरल्स के लिए विराट ने प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। दोस्तों, इस लाजवाब सक्सेस के पीछे कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जो कभी हमें पता नहीं चलते। हमें तो बस नाम, फेम और पैसा दिखता है, क्योंकि जितना टॉप पर पहुंचना मुश्किल है उससे कई ज्यादा वहां पर टिकना मुश्किल है। दोस्तों, इन सब स्टोरीज से और विराट की जर्नी से आपको सिर्फ एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ, जिस चीज में तुम्हारा पैशन है वहां पर काम करो और अपने स्किल्स को इतना इंप्रूव करो कि तुम खुद एक ब्रांड बन जाओ। और इसके लिए 10 चीजों पर काम करना छोड़कर एक पर फोकस करो, जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम खुद एक ब्रांड बन जाते हो तब मल्टीपल चीजें करना आसान हो जाता है। अगली स्टोरी आप किस पर देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना।
मैं हूँ आपका द विल पावर स्टार, मिलते हैं। वाओ गाइस, आई एम रियली शॉक्ड एंड अमेज्ड कि मतलब वाओ लाइक वो एक स्टोरी इंस्टा पे लगाने के लिए 1,35,00,000 लेते हैं। दैट वाज सो अमेजिंग। लाइक उनके अपने ब्रांड्स हैं और वो भी बहुत ही हाई फाई ब्रांड्स हैं। दैट वाज सो अमेजिंग। लाइक वो क्रिकेटर भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं और एक फुटबॉलर भी हैं। और लास्ट में उन्होंने एक बात किया है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एक चीज़ पे फोकस करो और उस पर अपना फुल जो है वो लगा दो, ताकि आप आगे जाके मल्टीपल काम कर सको और आप एक खुद ब्रांड बन जाओ। यस, एक चलता फिरता ब्रांड। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। हमने आपको एक स्ट्रगल पे भी इनकी वीडियो दिखाई थी कि इन्होंने कितनी स्ट्रगल की थी और इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स उन्होंने अचीव की। ऐसे ही नहीं की लाइक इसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, हार्ड वर्क था और बहुत ज़्यादा मेहनत थी। लाइक जब उनके फादर की डेथ हो गई थी उसके बाद भी वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए थे एट द सेम डे। सो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जो है वो मोमेंट हार्ड रहा होगा, लेकिन आज जो वो है दैट इज़ अमेजिंग और हर कोई शॉक्ड है उसको देख के। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, रियली रियली गुड। सो आई होप आपको हमारा आज का ये जो रिएक्शन है ये अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। सो होप सो यू एंजॉयड इट। सो अगर आपने इंजॉय किया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट कि हमारा 10K का टारगेट है। जल्दी से जल्दी हमारे 10K कर दें ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छा कॉन्टेंट लेके आते रहिए और हमारे लिए एक मोटिवेशन हो। सो या उम्मीद करता है कि आपको अच्छा लगा होगा। सो डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो या बाय बाय।